नमस्कार दोस्तों, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का दिन। ठीक 2 साल पहले भारत सरकार द्वारा इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया था और इस साल भी पराक्रम दिवस के उपलक्ष में ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स के 21 सबसे बड़े अननेम्ड आइलैंड्स को नाम दिया जाएगा 21 परमवीर चक्र अवार्डीज का, जिसमें लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड का नाम फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा 20 परमवीर चक्र अवार्डीज में शामिल हैं सूबेदार एंड ऑनरी कैप्टन करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे और नायक जादूनाथ सिंह जैसे कई नाम। बता दें कि इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अनवील करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेटेड एक नेशनल मेमोरियल का मॉडल, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर ही बनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक ओडिशा में हुआ। अगर हम उनके अर्ली करियर्स की बात करें तो 1919 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक किया, जो कि अपने आप में एक चैलेंज था उस समय में, क्योंकि ब्रिटिशर्स हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे इंडियंस के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज में डोर्स तो ओपन रहे लेकिन उस डोर में एंट्री जो है वो उतनी ही मुश्किल हो। और सुभाष चंद्र बोस ने इस एग्जाम को एक चैलेंज के तौर पर लिया भी, क्रैक भी किया और कुछ समय के बाद रिजाइन भी कर दिया। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेक आनंद के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनके पॉलिटिकल गुरु के रूप में हम चित्रंजन दास को देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस अपने पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी विचारों की वजह से जाने जाते थे, जहां पूरा देश और देश के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ये सोच रहे थे कि कैसे भारत को आजाद किया जाए, वहीं सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इस बात पर सोचने में लगे थे कि आजाद भारत कैसा दिखेगा। दोनों ही लीडर्स यहां पर सोशलिस्ट आइडिया से काफी ज्यादा प्रभावित थे और उनके डिबेट्स, डिस्कशंस, डेमोंस्ट्रेशंस में वो सोशलिस्ट विचार दिखते भी थे। उनका एक बहुत बड़ा सवाल था जो वो हमेशा सबके सामने रखते थे कि हम भारत की आजादी के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन आजाद भारत कैसा दिखेगा? क्या हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत से ब्रिटिशर्स को हटा देना है? क्या ब्रिटिशर्स को घर भेजकर, अपने देश वापस भेजकर वाकई में भारत पूरी तरह से आजाद हो जाएगा? क्या एक जमींदार के लिए आजादी का मतलब वही होगा जो एक किसान के लिए होगा? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस का मतलब तो हर किसी के लिए सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इसी वजह से वो सोशलिस्ट विचारों को सपोर्ट किया करते थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जम खम के पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहीं जब उसको रद्द किया गया तो वो हताश भी हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत सारे दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इंस्पिरेशन थे, इसी वजह से 1938 में हम कांग्रेस के हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें इलेक्ट होते हुए देखते हैं। ऑब्वियसली उनके विचार रेवोल्यूशनरी थे, तो वैसा ही कुछ कांग्रेस के सेशन के रेजोल्यूशंस में भी देखा जा सकता था। जो फाइनल डिसीजंस लिए जाते थे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा, जो रेजोल्यूशंस पास किए जाते थे, वो काफी हद तक सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित लगते थे। इसी वजह से थोड़े बहुत सुभाष चंद्र बोस के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस गांधी जी के साथ भी देखे जा सकते हैं। सामने गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव पट्टाभी सीतारमैया को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार के बाद गांधी जी की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। और वहीं से गांधी जी और बोस के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो काफी क्लियरली नजर आए। सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन से रिजाइन कर दिया और उनकी जगह मिली राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पर वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के ही अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक गुट की शुरुआत की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करने वाले ही लीडर्स थे। आगे चलकर आप देखते हैं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक पूरी तरह से कांग्रेस से अलग हो जाएगा। आज भी फॉरवर्ड ब्लॉक की बहुत सी ब्रांचेस बंगाल वाले हिस्से में जिंदा हैं। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 भी छिड़ा
और इसमें भारत के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक असमंजस में थे कि आखिर क्या किया जाए। क्या भारत को ब्रिटेन को हिटलर के खिलाफ सपोर्ट करना चाहिए? गांधी जी का कहना था हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वहीं सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि क्योंकि ब्रिटेन हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ने में बिजी है, तो क्यों ना हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में चला के अपनी आजादी को छीन लें। इस तरह के रेवोल्यूशनरी विचार जो है कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए, इसीलिए कांग्रेस का फाइनल डिसीजन सुभाष चंद्र बोस के विचारों के साथ अलाइंड नहीं था। कांग्रेस ने बल्कि ब्रिटिशर्स के सामने ऑफर रखने का सुझाव रखा, यानी कि हम देखते हैं कि कैसे कांग्रेस के द्वारा दो बातें रखी गई अंग्रेजों के सामने कि हमें आज के आज ही आजाद कर दिया जाए, हम ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं लेकिन एक आजाद भारत के रूप में। यानी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल आइडियाज जो हैं वो इतनी स्मूदली कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा रहे थे। तभी उन्होंने ठान लिया कि मैं भारत के बाहर जाकर यहाँ पे भारत की आजादी को दिलाऊं, और वो निकल पड़े जर्मनी की तरफ हिटलर से मिलने। हिटलर से मुलाकात करने पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना नाम बताया ऑरलैंडो मज़ोटा। हिटलर से मुलाकात करने पर उन्होंने यहाँ हिटलर से एक रिक्वेस्ट की कि क्योंकि आप ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और ब्रिटेन की आर्मी के बहुत सारे सिपाहियों को एज प्रिजनर ऑफ वॉर आपने जरूर पकड़ा होगा, लेकिन इनमें से कुछ इंडियन ओरिजिन के भी हैं, तो अगर इंडियन ओरिजिन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर आप मुझे सौंप दो तो मैं उनकी एक सेना तैयार करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी ब्रिटिशर्स को ज्यादा पसंद नहीं करता। हिटलर को ये बात पसंद आई और हिटलर ने यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के प्रिजनर ऑफ वॉर जितने भी थे वो सब सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए, और इन्हीं के साथ मिलकर नेताजी ने बनाई मुक्ति सेना। यही मुक्ति सेना है जिसके नेता बनकर सुभाष चंद्र बोस सामने आए और नेताजी कहलाए, जय हिंद का नारा भी दिया। यही नहीं, 1942 के दौर में बर्लिन के एक रेडियो को भी सुभाष चंद्र बोस ऑपरेट किया करते थे, जिसके थ्रू वो भारतीयों के अंदर ऊर्जा भरने की कोशिश करते थे अपनी बातों के जरिए। लेकिन अब उनका बुलावा जापान से आने वाला था। आखिर क्या हो रहा था जापान में, आइए इसे जानने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ चलते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी जावा, सुमात्रा, मलाई द्वीप। अगर हम वर्ल्ड वॉर टू में जापानीज फोर्सेस की एंट्री को देखें तो काफी हद तक इनका आना जो था वो ब्रिटेन के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है, क्योंकि जापानीज फोर्सेस के कारण ही अमेरिका भी अब वर्ल्ड वॉर टू में उतर चुका था। जापानीज फोर्सेस अपने देश के वेस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी, और अगर हम मैप वाइज जाएं तो आप देखेंगे कि जापान बहुत जल्द भारत तक पहुंच सकता था, लेकिन भारत तक पहुंचने से पहले वो जावा सुमात्रा आइलैंड्स तक पहुंचा और वहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ युद्ध भी लड़ा। वहीं पर मौजूद हैं मोहन सिंह। मोहन सिंह भी सुभाष चंद्र बोस जैसे ही विचारों वाले थे, जिन्होंने जापानीज फोर्सेस को कहा कि आपने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जितने इंडियन ओरिजिन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पकड़ा है वो मुझे दे दीजिए, मैं भी इनकी एक सेना बनाऊंगा। और तब मोहन सिंह ने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन मोहन सिंह का एक ही विचार था कि मोहन सिंह कुछ भी हो जाए, कांग्रेस जब तक इन्वाइट नहीं करेगी तब तक अपनी सेना लेकर भारत में इन्वेड नहीं करेंगे। ये वो दौर है जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, यानी कि 1942 का दौर। इस समय यहाँ कांग्रेस के द्वारा डू और डाई वाली सिचुएशन जो है वो एस्टैब्लिश कर दी गई थी, और मोहन सिंह को पूरी उम्मीद थी कि जरूर कांग्रेस एक कॉल देगी, आर्म्ड फोर्सेस का कॉल, जिसके जरिए भारत की आजादी को ब्रिटिशर्स से हम छीनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि जापानीज फोर्सेस को इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो बार बार मोहन सिंह को एक तरह से प्रेशराइज कर रही थी कि अब तुम्हें भारत में इन्वेड करना चाहिए, लेकिन मोहन सिंह ऐसा नहीं कर रहे। इसी वजह से मोहन सिंह और जापानीज फोर्सेस के बीच में एक झड़प हुई और जापान ने तय किया कि मोहन सिंह को आईएनए की लीडरशिप से हटाया जाएगा,
और हमें एक नए नाम की जरूरत है। वही नया नाम बना नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आखिर कैसे? जापान में 1915 से ही रास बिहारी बोस मौजूद थे और उन्होंने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आगे पुश किया और इस तरीके से आप 1943 में जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर आते हुए देखेंगे और कुछ ही दिनों के बाद आप उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का नेता भी बनते हुए देखेंगे। आईएनए के नेता बनने के साथ साथ 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी तैयार कर ली थी सिंगापुर में। ऑब्वियसली ये वही दौर था जब भारत की आजादी की बातें हो रही थी और ब्रिटिशर्स की तरफ से बहुत से ऑफर दिए जा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के थ्रू एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे जिसे ब्रिटिशर्स पावर पास ऑन करके जा सकते थे और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को बनाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अमेरिका और ब्रिटेन पर वॉर भी डिक्लेयर कर दिया। बल्कि इस वॉर को और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 2 में उतरने वाली एक्सिस पावर्स के द्वारा रिकग्नाइज भी किया गया था। 1943 में ही आजाद हिंद फौज के द्वारा अंडेमान निकोबार आइलैंड्स को अपना हेडक्वार्टर बनाया गया और उन्हें रीनेम भी किया गया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के रूप में। यहीं से सुभाष चंद्र बोस अपनी कमान संभाल रहे थे। यहीं से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो पर महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा। यहीं से उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाया। एक तरीके से आईएनए जो थी उसको फंड दिया जा रहा था जापानीज फोर्सेस की तरफ से, लेकिन जापानीज फोर्सेस के द्वारा आईएनए के सिपाहियों को बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था जिसके वजह से आईएनए के सिपाही काफी हताश थे। जल्द ही 1944 में अंडमान निकोबार आइलैंड से हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया बर्मा, रंगून या जिसे आप म्यांमार कहते हैं, क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस इम्फाल से होते हुए भारत में एंटर होने की ठान चुके थे। आजाद हिंद फौज ने बर्मा बॉर्डर क्रॉस किया, कोहिमा इम्फाल से होते हुए आप यहां पर आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को फाइनली भारत की धरती पर कदम रखते हुए देखेंगे। और यही नहीं, मणिपुर में जय हिंद नेताजी जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा भी फहराया गया। लेकिन अब जापान की जो फोर्सेस हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी क्योंकि अमेरिका की तरफ से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ न्यूक्लियर अटैक और ये जो अटैक था इसकी वजह से जापानीज फोर्सेस ने अपने घुटने टेक दिए यानी सरेंडर कर दिया। जो भी फंडिंग यहाँ पर जापानीज फोर्सेस की तरफ से आईएनए को मिल रही थी वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गई और आईएनए के सिपाही यहाँ पर पकड़े गए। ये जो आईएनए के प्रिजनर्स ऑफ वॉर ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किए हैं इन सभी की ट्रायल्स यहाँ पर भारत में आपको रेड फोर्ट के पास होते हुए देखने को मिलती है और ये जो ट्रायल्स थी इसके वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह भी हुआ। आईएनए की ही ट्रायल्स को इवन भारत की आजादी के इस पूरी जर्नी में एक कैटलिस्ट के रूप में देखा जाता है जिसने भारत की आजादी को स्पीड अप कर दिया, जिसमें विद्रोह के रूप में आप इंडिया में ही जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इंडियन ओरिजिन के सिपाही थे उन्हें विरोध करते हुए देखेंगे। वहीं पर ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि शायद अब भारत में कंट्रोल करना, रूल करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जिसके बेस पर इतने लंबे समय तक उन्होंने अपने आप को बरकरार रखा था जो कि उनकी आर्मी थी, उसी के सिपाही अब उनके साथ नहीं है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जिस प्रकार के झटके ब्रिटिशर्स को लगे उससे तय हो चुका था कि अब भारत की आजादी तय है और भारत की आजादी के लिए भारत भी तैयार है। आईएनए की ये कहानी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? सोर्सेस के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई ताइवान के पास एक प्लेन क्रैश में और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ खत्म हुई। लेकिन ये जो जानकारी है ये आज भी मिस्टीरियस है और डिबेटेबल है।
सुभाष चंद्र बोस बहुत बार खबरों में होते हैं। काफी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस प्लेन क्रैश के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को कहीं ना कहीं देखा है। हम ये तो नहीं जानते कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जर्नी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग रही, जो आज के भी भावी यूथ को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत शत नमन।